students, good morning. So we are continuing our chapter number 6, Basic Ubuntu Linux Commands. In the last session, we have learned about the directory commands. Now, what is directory? Directory means your folders. We have learned that there is only two things in our computer. That is, one is file and second is the folder. Now, folder means your directory. You can see the CA in the CLI, the folder is a directory. तो डायरेक्टरी कमांड्स क्या क्या होते हैं वो हमने देखे, कैसे डायरेक्टरी बनानी है उसके लिए कमांड देखे, डायरेक्टरी के अंदर जाना है फोल्डर के अंदर जाना तो वो किसके लिए क्या कमांड यूज होते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए भी कमांड यूज करने पड़ेंगे, उसको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए भी आपको कमांड यूज करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमने डायरेक्टरी कमांड्स देखे। आज हम फाइल कमांड्स देखने वाले है। फाइल कमांड्स में बहुत कुछ है, बहुत चीजें सीखनी है हमें, बट यहाँ पे मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बेस पे जो है वही दिखा रहा हूँ। उसकी थियोरीज भी है, थोड़ी थियोरीज भी हमें समझनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के दिन के लिए प्रैक्टिकली क्या क्या करना होता है फाइल कमांड्स के अंदर वो देखने वाले है। सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे, हमारा जो रेड हैट बेस मैंने टर्मिनल का जो है विंडोज बेस में लिया है तो उसका यहाँ पे स्क्रीन शॉट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यूजर वो है, फिर यूजर पीसी जो हमारे कंप्यूटर का नाम है वो आ जाएगा, देन डॉलर साइन इज ए कमांड प्रॉम्प्ट, टिल साइन है वो होम डायरेक्टरी दिखाएगा हमको। चलिए सबसे पहले फाइल क्रिएट करनी है मुझे, फाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाना सीखेंगे हम, तो आप विंडोज में है या फिर लिनक्स में काम कर रहे हो तो टेक्स्ट फाइल कैसे बनेगी आपकी। तो जैसे लिनक्स है तो लिनक्स के अंदर जी एडिट है, ये सब जो है एडिटर्स यूज करते हैं, या फिर आप ओपन ऑफिस यूज करके राइटर यूज करके टेक्स्ट फाइल बना सकते हो। सेम इन द विंडोज नोटपैड है, वर्डपैड है, फिर उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर बना सकते हो। यहाँ पर सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस यूज करके कैसे फाइल्स क्रिएट करनी है वो देखने वाले है। और फाइल क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है कैट, यस सीएटी कैट कमांड। कैट कमांड इज यूज टू क्रिएट अ फाइल। अब कैसे होगा, क्या वर्किंग करना है हमें उसके अंदर, कैसे फाइल के बनानी है उसको देखनी है, रिमूव करने वो सब आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइल बनानी है तो फाइल बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा आपको, कैट लिखिए फिर स्पेस छोड़ के ग्रेटर देन साइन है वो यूज कीजिए, देन स्पेस छोड़ के जिस नाम की आपको फाइल बनानी है वो नाम लिख दीजिए। सबसे पहले जैसे मुझे स्टूडेंट नाम की फाइल बनानी है, स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए मुझे, स्टूडेंट नाम की फाइल बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैट स्पेस ग्रेटर देन साइन देन पेज छोड़ के फाइल का नाम स्टूडेंट लिख दिया मैं। अब जैसे ही एंटर करूंगा ना तो मुझे अब यहाँ पे कर्सर आ जाएगा जो मुझे लिखने के लिए परमिशन देगा, यानी कि टेक्स्ट फाइल जो मेरी बन रही है तो फाइल के अंदर क्या डेटा है। फिर से याद दिला दू, देर आर टू थिंग्स, फाइल एंड फोल्डर। नाउ व्हाट इज फाइल, जिसके अंदर हमारा डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी हमारी जो डेटा जिसके अंदर स्टोर करके रखा है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो कोई भी फॉर्मेट में हो, वो क्या होती है हमारी फाइल होती है। उन सबको रखने के लिए जो एक स्पेसिफाइड स्पेस होती है जो जगह, उसको हम फोल्डर या डायरेक्टरी बोलते हैं। एंड अब फाइल मींस व्हाट, हमने क्या देखा कि उसके अंदर डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के नाम का लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जैसे एंट्री किया मुझे कर्सर मिल जाएगा, अब मैं नाम लिखना चालू करूंगा। जैसे मैंने कुछ पांच नाम लिखे, अजय लिखा, रमेश लिखा, जयेश लिखा, नेहा लिखा, योगिता लिखा, अब इतने पांच नाम मैंने लिख दिए, चलिए इतना ही नाम लिखना है। अब मुझे वापस, यानी कि मेरे कमांड प्रॉम्प्ट है डॉलर साइन, डॉलर साइन होगी कमांड प्रॉम्प्ट तो ही कमांड काम करेंगे, अगर वरना कमांड काम नहीं करेंगे। तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डी, कीबोर्ड के ऊपर से कंट्रोल की और डी साथ में दबाइए आप, कंट्रोल डी, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आ जाओगे। मैंने कैलकुलेटर भी आपको समझाया, थियरी लेक्चर आपने देखा होगा, तो कैलकुलेटर में जब इनसाइड में जाते हो तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल डी यूज करके कैलकुलेटर में से वापस आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ सकते हो। सेम थिंग यहाँ पे हम फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, फाइल के अंदर से वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है हमको, तो कंट्रोल डी यूज करना पड़ेगा। देखिये कंट्रोल डी करने से क्या हो गया, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आ गया, आप दूसरे कमांड देख सकता हूं मैं। चलिए अब एलएस करके मैं चेक करूंगा कि भाई वो बना है कि नहीं बना है। तो एलएस लिखा तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नाम की फाइल मेरी जो बनी है वो दिख रही है। बर्थ और प्लान क्या था, हमने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो आपने देखा और उसके अंदर डायरेक्टरी हमने बनाई थी। अब मुझे वो फाइल के अंदर का डेटा ओपन करके देखना है कि भाई क्या फाइल के अंदर है। कोई भी फाइल आपकी बनी है उस फाइल के अंदर, लिनक्स टर्मिनल, लिनक्स सीएलआई की बात कर रहा हूं मैं, लिनक्स कमांड लाइन इंटरफेस यूज कर रहे हो आप, उसके अंदर अगर आपको किसी भी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट फाइल है, वो जानना है तो उसके लिए भी कैट कमांड यूज करना पड़ेगा।
बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैट लिखिए स्पेस छोड़ के जो फाइल है उसका नाम लिख दीजिए, टेन एंटर। तो देखिए वो फाइल ओपन करके दे देगा आपके सामने। तो यहाँ पे फाइल ओपन होके आ गई मेरे सामने और यहाँ पे फाइल के अंदर का जो कंटेंट है, जो डेटा, वो मेरे सामने आ गया ना, मैं उसको देख सकता हूँ। तो इस तरह से फाइल ओपन करने के लिए कौन सा कमांड यूज होगा, कैट कमांड यूज होगा। अब वो जो फाइल है मेरी, फाइल के अंदर और एक कुछ मुझे ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो पांच नाम है, मुझे दो और नाम ऐड करने हैं उसके अंदर रह गए, तो क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कमांड भी पे सब कुछ, तो क्या कमांड यूज करना पड़ेगा। तो कैट लिखिए फिर स्पेस छोड़ के दो बार ग्रेटर देन साइन यूज कर। अगर सिंगल बार यूज करोगे तो क्या होगा, वो न्यू फाइल बना देगा, यानी रिप्लेस कर देगा उसको। हमें रिप्लेस नहीं करना, वो फाइल ही रहने देनी है, उसके अंदर दूसरा डेटा ऐड करना है। तो टू टाइम्स ग्रेटर देन साइन यूज करनी पड़ेगी। देन स्पेस छोड़ के फाइल का नाम लिख दीजिए स्टूडेंट, देन एंटर। अब जो आपको उसके अंदर ऐड करवाना है वो कंटेंट लिख दीजिए। जैसे मुझे दो नाम उसके अंदर ऐड करवाने हैं, बॉबडीप एंड बावेश, तो वो मैंने लिख दिए यहाँ पे और वो दोनों नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए। अब वापस आना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग कंट्रोल डी यूज कीजिए। कंट्रोल डी प्रेस करके आप वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ सकते हो। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया मैं वापस। अब इस फाइल को ओपन करके देखिए, वो फाइल ओपन करके देखने के लिए क्या कमांड यूज करना पड़ेगा, कैट कमांड। कैट स्पेस छोड़ के फाइल का नाम लिख दीजिए। तो नाउ यू कैन सी, अब फाइल मेरी ओपन हो रही है, तो उसमें आप देख सकते हो कि मेरे पहले जो पांच नाम जो मैंने लिखे थे उसके साथ जो दो नाम मैंने ऐड करवाए वो भी उसके साथ आपको दिख रहे हैं। यानी नाम आप अपेंड कर सकते हो, उसके अंदर ऐड करवा सकते हो, बराबर है। तो इस तरह से कैट डबल ग्रेटर देन साइन यूज करके एक्स्ट्रा नाम आपको ऐड करना है तो आप ऐड करवा सकते हो। चलिए अब यहाँ पे एक और फाइल मैं बना रहा हूँ, स्टूडेंट वन नाम की एक फाइल बना रहा हूँ, जिसे स्टूडेंट बनाए थे, स्टूडेंट वन नाम की फाइल बना जिसके अंदर दूसरा डेटा होगा। फाइल नई फाइल बनानी है तो नई फाइल बनाने के लिए क्या करना ही पड़ेगा आपको, कैट देन स्पेस छोड़ के ग्रेटर देन साइन और फाइल का नाम लिख दीजिए। चलिए मैं नई फाइल बना रहा हूँ स्टूडेंट वन नाम की, एंटर किया, मेरे सामने लिखने के लिए स्पेस मिल गया। अब मैं वहां पे और नाम ऐड कर रहा हूँ, नरेश है, हिमांशु है, ध्यानी, वेदिक, आदित्य, ऐसे कुछ नाम मैंने ऐड कर दिए। कंट्रोल डी करके मैं वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया हूँ। अब एलएस करके मैं चेक कर, यहाँ पे देखिए एक और चीज यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कि दो फाइल है हमारे पास। अभी कौन सी दो फाइल है, स्टूडेंट नाम की फाइल है उसके अंदर कुछ डेटा है और स्टूडेंट वन नाम की फाइल है उसके अंदर कुछ डेटा है। दोनों फाइल का डेटा मुझे मर्ज करके तीसरी फाइल में ले जाना है तो भी मैं ले जा सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैट देन पहली फाइल का नाम लिख दिया, देन स्पेस छोड़ के दूसरी फाइल का नाम लिख दिया, देन ग्रेटर देन साइन यूज करके जो तीसरी नई फाइल बनानी है, जो अभी ब्लैंक है, नहीं है, बनी नहीं है, उसका नाम लिखना आपको। जैसे क्लास मैंने लिख दिया, यानी होगा कि स्टूडेंट का डेटा और स्टूडेंट वन का डेटा, दोनों का जो डेटा है वो क्लास नाम की फाइल है उसके अंदर चला जाएगा। देखिए एंटर किया मैंने तो वो बन गई है। अब इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि भाई उसके अंदर क्या डेटा है, जो क्लास नाम की जो फाइल बनी हमारे, तो क्या है उसके अंदर। तो कैट स्पेस छोड़ के क्लास लिखा, यानी फाइल का नाम लिखा। तो आप देख सकते हो कि पहली जो मेरी फाइल है स्टूडेंट, जिसके अंदर नाम थे अजय, रमेश, जयेश, नेहा, योगिता, बहुदीप एंड बावस, ये नाम थे। और जो स्टूडेंट वन के अंदर जो नाम थे नरेश, हिमांशु, ध्यानी, वेदिक, आदित्य, ये जो नाम थे वो सभी आ गए। यानी कि दोनों फाइल क्या हो गए, मर्ज हो गई, ज्वाइंट हो गए और दोनों फाइल का डेटा जो है यहाँ पे एक होके आ गया। तो इस तरह से आप दो फाइल का डेटा तीसरी फाइल के अंदर ज्वाइंट करना चाहो तो भी कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एलएस करके चेक कर सकते हो भाई कितनी फाइल है हमारे पास। तो एलएस किया तो हमने तीन फाइल बनाई थी, क्लास स्टूडेंट, देन स्टूडेंट वन और क्लास। अब यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बर्ड लिखा है, क्लास लिखा है, प्लांट लिखा है, स्टूडेंट और स्टूडेंट, पांच चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक चीज मैं बता दूं आपको कि जब आप लिनक्स यूज कर रहे हो ना, तो लिनक्स का जो टर्मिनल होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि उसमें डायरेक्टरी का कलर अलग होता है, फाइल का कलर अलग होता है, जिससे पता चलता है कि कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी फाइल है। पर यहाँ पे रेड हैट का मैं विंडोज बेस यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ व्हाइट कलर के अंदर ही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। अच्छा लो मैंने तो बनाया इसलिए मुझे पता है, कोई नया यूजर आके इसमें एलएस करके देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा भाई इसमें से डायरेक्टरी कौन सी और फाइल कौन सी है। तो ये ढूंढना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, देखिए एलएस स्पेस छोड़ के डैश एल यूज किए, यानी लॉन्ग लिस्ट आएगा। लॉन्ग लिस्ट के अंदर क्या होगा, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेगी उस फाइल के अंदर। जैसे पहले में देखिए तो डी लिखा है, देन आर डब्ल्यू एक्स है, वो परमिशन से वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। देन यूजर नेम कब बनी थी वो,
फिर उसके साथ मैं वो टाइमिंग भी दिखाएगा, सब डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। तो जिसके आगे डी लिखा है, देखिए दो ऐसी है जिसमें जैसे बर्ड्स एंड प्लांट, दो के आगे स्टार्टिंग जहां पे हो रहा है ना वहां पे डी लिखा है, और जिसके आगे डी नहीं लिखा सिर्फ डैश लिखा है वो हमारी क्या है, फाइल है। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि इसमें से कौन सी डायरेक्टरी है कौन सी फाइल है, वो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर। चलिए अब फाइल, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, फाइल को रिमूव करना, फाइल निकाल देना। फाइल किसी भी फाइल को निकाल देना है, डिलीट कर देना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए कमांड यूज होगा आरएम, यानी आरएम लिखा देन स्पेस छोड़ के फाइल का नाम लिख दिया, जैसे क्लास लिख दिया मैंने आरएम क्लास, तो क्या होगा वो क्लास नाम की फाइल है वो रिमूव हो जाएगी। रिमूव हो हुई कि नहीं वो चेक करना तो कैसे पता चलेगा, सेम थिंग एलएस कमांड यूज कीजिए, एलएस कमांड पे पता चल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब चार ही फाइल बची है, जो क्लास नाम की फाइल है वो कहाँ गई, रिमूव हो गई। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, चलिए एक बार एक और देख लेते हैं। जैसे आरएम स्पेस स्टूडेंट वन, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, तो आरएम लिखा क्योंकि स्टूडेंट वन लिखा, अब एंटर कर रहा हूँ तो स्टूडेंट वन भी रिमूव हो गई। फिर से एलएस करके मैं चेक कर सकते, एलएस किया तो देखिए अब बर्ड्स प्लान एंड स्टूडेंट तीन ही चीजें बची, इसमें दो डायरेक्टरी और एक फाइल है, यानी बाकी जो है वो आरएम कमांड यूज करके हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना हमें सीपी कमांड, किसी भी फाइल की कॉपी फाइल बनानी है मुझे, तो कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, सीपी कमांड यूज होता है। तो सीपी फॉर द कॉपी, जैसे स्टूडेंट नाम की फाइल है उसकी कॉपी फाइल, उसके जैसे सेम टू सेम डुप्लीकेट फाइल बनानी है, कॉपी फाइल बनानी है, तो उसके लिए सीपी कमांड यूज होगा। सीपी लिखिए देन स्पेस छोड़ के जो फाइल है हमारी उसका नाम लिखिए, और उसकी जो डुप्लीकेट फाइल बनने वाली यानी कि जो कॉपी फाइल बनने वाली उसका नाम लिख दिए। जैसे मैं क्लास ही यूज कर रहा हूँ, तो सीपी स्पेस छोड़ के स्टूडेंट स्पेस छोड़ के क्लास, अब एंटर कर दीजिए। अब क्या होगा, स्टूडेंट नाम की जो फाइल है उसकी सेम टू सेम डुप्लीकेट फाइल यानी कॉपी फाइल बन जाएगी क्लास। देखिए यहाँ पे एलएस करके चेक करने पे पता चलेगा आपको क्लास और स्टूडेंट दो फाइल यहाँ पे दिख रही है हमारे पास। अब कैसे पता चलेगा भाई दोनों सेम टू सेम है, कॉपी है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों फाइल को वन बाय वन ओपन करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने कैट स्पेस छोड़ के स्टूडेंट लिखा, तो ओपन किया तो देखिए उसके अंदर का डेटा मेरे सामने आ गया। अब सेम चीज क्लास के लिए भी करूंगा, कैट स्पेस छोड़ के क्लास लिखा तो देखिए उसके अंदर का डेटा भी मेरे सामने। नाउ यू कैन कंपेयर, अब आप देख सकते हो कि भाई दोनों का सेम डेटा, इट मीन्स क्या हुआ कि स्टूडेंट क्लास जो है वो स्टूडेंट नाम की जो मेरी फाइल है उसकी डुप्लीकेट फाइल यानी कि उसकी कॉपी फाइल है। कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया हमने, सीपी कमांड यूज किया, सीपी कमांड यूज करके आप उसकी कॉपी बना सकते हो। तो आज के दिन हमने फाइल कमांड्स देखे, फाइल कमांड में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो देख सकते हैं हम, बहुत चीजें देखनी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी देखे क्या क्या देखा हमने, तो सबसे पहले हमने देखा कि फाइल कैसे बनाई जाती है, फाइल बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, कैट डेन स्पेस छोड़ के ग्रेटर डेन साइन, ये आप यूज करोगे तो क्या होगा उससे फाइल बन जाएगी। वन मोर थिंग, फाइल जब भी आप बना रहे हो तो फाइल किसको बोला जाता है कि जिसके अंदर डेटा होता है, कंटेंट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, यानी आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। आप कोई भी फाइल बना रहे हो तो आपको खुद से उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने कैट ग्रेटर देन स्टूडेंट लिखा तो स्टूडेंट के नाम हमने लिस्ट बनाया, यानी फाइल के अंदर का कंटेंट हमने बनाया। फाइल के अंदर कंटेंट लिखने के बाद वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है दूसरे कमांड यूज करने के लिए, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी यूज करके आप वापस आ सकते हो। जो मेरा डेटा है ऑलरेडी डेटा है उसको अंदर फाइल मेरी बनी हुई है, उस फाइल को ओपन करके देखना है कि उसके अंदर कोई भी फाइल आप यूज करो, लिनक्स टर्मिनल यूज करो, यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा आपको फाइल को। अब किसी भी फाइल के अंदर क्या कंटेंट है वो डेटा देखना है तो उसके लिए क्या यूज, उसके लिए भी कैट कमांड ही है, बट सिर्फ कैट लिखिए और फाइल का नाम लिख दिए, उस बीच में कोई सिम्बॉल नहीं यूज करना है, तो फाइल ओपन करके दे देगा आपके सामने। तो फाइल ओपन होके आ गई, फिर फाइल के अंदर मुझे और डेटा अपेंड करना है यानी कि और डेटा ऐड करना है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कैट डेन डबल ग्रेटर देन साइन और फाइल, उसके अंदर अब मैं जो डेटा लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर अपेंड हो जाएगा। फिर हमने ये देखा कि दो फाइल है, दो फाइल का डेटा मुझे तीसरी फाइल में ऐड करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। फिर हमने देखा कि कैसे किसी फाइल को मुझे रिमूव कर देना है, तो रिमूव करने के लिए आरएम कमांड यूज होता है, तो आरएम कमांड यूज करके आप किसी भी फाइल को रिमूव करवाना चाहो तो रिमूव करवा सकते हो। और एक और चीज बताने है कि भाई आप एक साथ आरएम लिख के एक साथ में दो तीन फाइल का नाम लिखोगे ना तो वो सभी फाइल रिमूव हो जाएगी एक साथ के अंदर, तो ये सब रिमूव भी कर सकते हो आप उसके अंदर। फिर हमने एलएस कमांड देखा, एलएस कमांड किस लिए यूज होता है, कितनी फाइल्स और डायरेक्टरीज है वो अगर लिस्ट चेक करना तो उसके लिए एलएस है। डायरेक्टरी कौन सी, फाइल कौन सी, वो फाइंड आउट करने के लिए क्या कमांड देखा था हमने, एलएस डैश एल यानी लॉन्ग लिस्ट देखा था।
फिर एक और चीज हमने सीखी सीपी कमांड। सीपी कमांड किस लिए यूज होता है? फाइल की कॉपी बनाने के लिए, डुप्लीकेट फाइल जो है उसकी सेम टू सेम कॉपी फाइल बनाने के लिए सीपी कमांड यूज होता है। और वही हमने लास्ट में देखा सीपी यूज करके स्टूडेंट जो है स्टूडेंट नाम की कॉपी फाइल बनाए क्लास की, दोनों को ओपन करके भी देख लेता कि कंफर्म हो जाएगा उसकी कॉपी फाइल ही बनी है। तो यहाँ फाइल कमांड्स आज के दिन के लिए बस इतने ही है, और भी बहुत कुछ फाइल कमांड्स के अंदर देखना है, वो थ्योरिकल देखेंगे थोड़ा उसके अंदर, बट वी विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरिओम।